भाई इस सेगमेंट के अंदर में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले में वायरलेस मिल रहा है। मैंने अपना फोन कनेक्ट किया अभी से एंड्रॉइड फोन। भाई सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस के अंदर भी मैंने अपना ऑटोमेटिक अंदर अपना चैनल खोल दिया, यूट्यूब है, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, और वायरलेस कैसे चला सकते हो बता दूंगा नमस्कार आपको। दोस्तों, मैं गौरव और स्वागत है एक और वीडियो में, जहां आज हमारे साथ है सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस। एयरक्रॉस को ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रहे हो आप, रिसेंटली कल परसों ही अनवील हुई है शोरूम्स पे। वैसे ऑफिशियली लॉन्च कर चुके थे इसको, 13,84,800 एक्सशोरूम प्राइस आ जाते हैं। मैक्स वेरियंट देख रहे हो, 5 सीटर में, प्योर में और मैक्स में दोनों में आपको 80 ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा। स्टील ग्रे बॉडी कलर है और इसकी जो रूफ है वो कॉस्मो ब्लू है, ड्यूअल टोन के अंदर ये है। इसमें आपको 5 सीटर 7 सीटर दोनों वेरिएंट मिल जाते हैं C3 एयरक्रॉस के अंदर। ये जो मैंने आपको एक्सशोरूम प्राइस बताएं 13,84,800, ये हरियाणा गुरुग्राम के अंदर के बताएं मैंने। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपनी स्टेट का नाम बताएंगे तो आपकी स्टेट के प्राइस भी हम कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी काफ़ी प्यारी गाड़ी है, मिड साइज SUV सेगमेंट में गाड़ी आ जाती है, अच्छी लेंथ वेट हाइट वगैरह मिल जाती है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, पूरा डायमेंशन आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे इसका, बाकी रूफ रेल वगैरह मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इस सेगमेंट पे हमें आके। तो यहाँ कॉस्मो ब्लू रूफ है इसकी, सिल्वर रूफ रेल्स है, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, प्लेन विंडशील्ड है, टू वाइपर विद टू वॉशर मिलेगा कुछ इस तरह से, बोनट भी आएगा, सिट्रॉन का लोगो, गार्निश बीडिंग मिलेगी और बीच में सिट्रॉन का लोगो रेडियर ग्रिल के ऊपर साइड। बाकी जो ग्रिल है इसकी वो ग्लोसी ब्लैक में दी हुई है, अपर भी और लोअर भी, सिल्वर स्किड पलट टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे बम्पर का लोअर पार्ट सिल्वर दिया हुआ। इसमें हाइलोजन बेस फॉग लैंप्स मिल जाते हैं हमें और हाइलोजन बेस ही हेडलैम्प मिलेंगे। इसमें ऑटो का फीचर नहीं मिलता हेडलैम्प का, ये DRLs मिल जाते हैं LED बेस, बट DRL और इंडिकेटर अलग मिलेंगे। DRLs के बिल्कुल नीचे ये वाला पार्ट इंडिकेटर दिया हुआ है, DRLs प्रॉपर यही वर्क करेंगे और इंडिकेटर इसके नीचे वर्क करेगा। बाकी यहाँ से ग्रिल देख सकते हैं पूरी आप, और ओवरऑल फ्रंट लुक यहाँ से गाड़ी का चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ 4 स्पोक्स में अलॉय दिए हुए हैं ग्लोसी ब्लैक और गार्निश ट्रीटमेंट के साथ। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 215/60/17 का टायर साइज है। क्लैडिंग का मिलेगी आपको फेंडर्स पे देखने के लिए, फेंडर प्लेन मिलेंगे क्योंकि लाइट इंडिकेटर आपका ORBM पे है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, क्लैडिंग का पार्ट आपको डोर्स पे भी देखने के लिए मिलेगा लोअर पे, और रनिंग बोर्ड के ऊपर भी कवर्ड मिलेगा। जैसे मैंने बताया रियर इसके ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स हैं, यहाँ फ्यूल लाइट हो गया। अच्छा, इसका जो ए पिलर है वो ब्लैक है, रूफ जबकि कॉस्मो ब्लू दी हुई है इसकी पूरी। वहीं बात करें सिल्वर रूफ रेल से, शार्क फिन एंटीना हो चुका, और यहाँ क्वार्टर पैनल पर छोटा सा ब्लैक पार टेपिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, बी और सी पिलर भी मैट ब्लैक में दिए हुए हैं, कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता। इधर 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है हमें, पेट्रोल टैंक, फ्यूल लाइट इस साइड दिया हुआ है, ये अंदर से ही अनलॉक करना होगा। छोटा सा ग्लास भी दिया हुआ है यहाँ क्वार्टर पैनल के ऊपर। जो इसका स्पॉइलर है वो भी आपको ब्लू ही देखने के लिए मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर दिया हुआ है, वॉशर भी दिया हुआ है विद वाइपर, रियर डिफॉगर है। यहाँ ब्लैक ग्लोसी ब्लैक पूरी बीडिंग दी हुई है, सिट्रॉन का लोगो, सिट्रॉन की बैजिंग, प्योर टेक की बैजिंग, C3 एयरक्रॉस की बैजिंग। यहाँ इस तरह से आपको कुछ टेल लैंप्स मिलेंगे इसके, ये इंडिकेटर इस साइड है, यह आपका रिवर्स लाइट हो गई। नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, यहाँ आपका रिवर्स कैमरा दिया हुआ है, यहाँ भी सिल्वर स्किड प्लेट दी हुई है और आपका कैमरा दिखा चुका मैं आपको। स्पेयर व्हील नीचे मिलेगा आपको बूट के नीचे वाले पार्ट में। बाकी रियर लुक इसका काफी अट्रैक्टिव लगता है, मुझे पर्सनली इसका रियर लुक काफी पसंद है। अब आ जाते हैं ड्राइवर साइड, तो यहाँ भी आप टेल लैंप्स का पार्ट देखोगे, चाबी की जगह दी हुई है ड्राइवर साइड पे, तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, कुछ इस तरह से की मिल जाती है, एक में सेंटर लॉकिंग के बटन्स हैं, एक में नहीं है, और दोनों पे आपको सिट्रॉन की बैजिंग मिलेगी दोनों कीज पे देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमें ORBM मिल जाते हैं इसके, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, रिएक्टेबल नहीं है, विद इंडिकेटर इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड करने होंगे आपको, और कॉस्मो ब्लू कलर में इसके जैसे रूफ है तो उसी कलर के ORBMs दिए हुए हैं। तो गाड़ी कर लेते हैं लॉक और चलते हैं अंदर। पहले मैं लाइट बंद कर देता हूँ इसकी, और ड्यूअल टोन में इसका कुछ इंटीरियर दिया हुआ है ब्लैक और बेज कलर के अंदर। यहाँ डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो है,
दो के कंट्रोल्स यहाँ दिए हुए हैं, पीछे पैसेंजर साइड के दो के वहां दिए हुए हैं गियर कंसोल में। स्पीकर चार मिलेंगे, वाटर वाटर स्पेस पे भी आपको बैचलर का ट्रीटमेंट मिलेगा, और ड्राइवर ट्रिम हमने सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। कुछ इस तरह से सीट्स हैं, हाइट एडजस्ट ऑप्शन के साथ लेदरेट सीट दी हुई है, डुअल टोन में है, यहाँ ऊपर सेमी फैब्रिक है, नीचे कुछ लेदरेट दिया हुआ है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर साइड पे, ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल ये बोनट खोलने के लिए, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ ये चाइल्ड लॉक के लिए, ये ORVM कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे आपका ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा, AC वेंट के सराउंडिंग और इंसर्ट गार्निश, ये कुछ गोल्डन ट्रीटमेंट दिया हुआ है पूरा उस साइड तक, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो चलें गाड़ी के अंदर। यार इस सेगमेंट पे इंटीरियर काफी प्यारा लगता है मुझे सिट्रॉन की कार्स का, देखो कितना प्यारा इंटीरियर है, 10 इंच की डिस्प्ले दी हुई है इसमें, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस मिल जाता है आपको। तो भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर काफी प्यारा लगता है मुझे, काफी लग्जरी फील देता है इसका इंटीरियर सिट्रॉन की किसी भी गाड़ी का, क्योंकि ये पॉप अप डिस्प्ले वगैरह आ जाती है तो काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ स्टीयरिंग देख सकते हैं आप, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है 3 स्पोक में, यहाँ कुछ ग्रे ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख रहे थे हम, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए है, स्टीयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये तो हो चुकी है आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, अब स्टीयरिंग देख लीजिए आप, लेदर रैप स्टीयरिंग है, पूरा रैप किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे म्यूजिक, ये क्या नाम है, मेनू कंट्रोल्स दिए हुए हैं कुछ, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, फोन उठाने काटने के लिए, म्यूजिक बढ़ाने के लिए, ये आपका वॉइस कमांड देने के लिए, और ये आपका सोर्स के लिए। सिट्रॉन का लोगो, टोटल 2 एयरबैग मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर। यहाँ आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको मैनुअल, यहाँ आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, मैं चाबी इसकी कर लेते हैं एसेसरीज मोड पे ऑन, सिट्रॉन लिखा हुआ आएगा कुछ इस तरह से, पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, काफी प्यारा देखने के लिए। राइट में इंजन के टेम्परेचर गेज है, लेफ्ट में फ्यूल गेज दिया हुआ है, बीच में स्पीडोमीटर दिया हुआ है, वेदर आ रहा है, ऊपर इको का साइन बना रहा है, इको ड्राइव मोड का, जहाँ पे ये देख पा रहे होगा इस साइड पे। और इसमें फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, मेनू को खोल लेते हैं, मेन्यू को इसके यूजर सेटिंग, व्हीकल सेटिंग वगैरह चेक, अलग मेंटेनेंस वगैरह देख सकते हैं, मेंटेनेंस पे देखते हैं ये सर्विस वगैरह शो करेगा आपको, ऊपर खोलेंगे इसे ये फ्यूल वगैरह दिखाएगा। तो इस तरह से कुछ फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, एवरेज वगैरह देख सकते हैं इसकी आप, या ये स्पीड इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा, किलोमीटर्स आ रहे हैं, ये आपके RPMs हो गए, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर, TPMS भी आपको देखने मिल जाता है, आर टायर वगैरह का। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का मिल जाता है। ए पिलर्स पे ट्विटर दिए हुए हैं दोनों साइड, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आ जाता है, अच्छा बोनट भी मिल जाता है, पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है 10 इंच की, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, वो भी वायरलेस। यहाँ पे 2 AC वेंट है, गार्निश मिल जाएगा AC वेंट्स के अंदर देखने के लिए थोड़ा आपको, ये मैं बैच कलर के अंदर है, और ऊपर वही गोल्डन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट भी है और ऊपर ब्लैक है, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। यहाँ आपके AC के कंट्रोल्स हैं, ये हजार लाइट के लिए, यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है इस जगह पे, USB, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है आपको गियर कंसोल में, इसके आगे भी है 2 कप होल्डर्स, ये आपका हो गए। जो अपडेशन हुई है वो ये है भाई, ये आपका ऑटो में कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, बाकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। AMT है ये, यहाँ पे आप इसे ड्राइव कर सकते हैं प्लस माइनस में भी, मैनुअल में भी आप कर सकते हैं ड्राइव, मतलब यहाँ कुछ इस तरह का गियर लीवर है, वही गियर लीवर है जो हमें सिट्रॉन में मिलता है, बाकी डिटेल्स मैं आगे इंजन के साथ दूंगा आपको। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, आर्मरेस्ट काफी अच्छा है, जैसे टाटा पंच में दिया है वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल गया, ये रियर की विंडोज डाउन करने के लिए। यहाँ पे आपका ग्लोब बॉक्स होगा, अच्छी स्टोरेज दी हुई है ग्लोब बॉक्स के अंदर, ऊपर मैनुअल डिमिंग IRVM है, यहाँ एक रीडिंग लाइट है, यहाँ माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं दोनों तरफ, इधर वेंटीमीटर दिया हुआ है सनवाइजर में, और इस साइड प्लेन है। तो भाई एसेसरीज मोड कर देते हैं इसका ऑफ, एक बार आ जाते हैं पैसेंजर सीट पे। अच्छी गाड़ी है, अच्छा लेग रूम वगैरह मिल जाता है, अच्छी थाई स्पोर्ट वगैरह दी हुई है ड्राइविंग सीट पे। तो यहाँ ओपन कर लिया मैंने पैसेंजर डोर, ये डोर ओपनर वही मैट गार्निश में, लॉक अनलॉक के लिए डोर एक्सेस हैंडल, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है विद 2 कप होल्डर्स, और भी स्पेस है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। लेग रूम काफी अच्छा मिल जाता है, अब आगे भी सीट मेरी हाइट के
अकॉर्डिंग एडजस्ट थी। और यहाँ भी देख सकते हो आप कितना अच्छा लेग रूम इसके अंदर मिल रहा है। इस सेगमेंट में अच्छा लेग रूम दे रही है सेटोन। नीचे यूएसबी 2 चार्जिंग पॉइंट है। बस विंडो डाउन करने के लिए कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा कि वहां पे दिया हुआ है, यह आगे इस तरह से होके करना पड़ेगा, क्योंकि इजी रहता जब यहाँ डोर पे रहता, क्योंकि लोगों को भाई सुविधा चाहिए पूरी बट अच्छी है। और वहीं आप हेडरूम देखोगे तो देखो भाई हेडरूम भी देख लो, अच्छा हेडरूम मिल जाता है। 510 हाइट है मेरी। आगे की सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, रिक्लाइन भी की हुई थी। और भाई अब आप यहाँ हेडरूम देख लो मेरा, और ये आगे हाइट देख लो। एक रीडिंग लाइट पीछे दी हुई है, मतलब लेग रूम देख लो, अच्छी स्पोर्ट और अंडर थाई स्पोर्ट भी अच्छी मिल रही है, ठीक है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे, तो यहाँ इसका बूट स्पेस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बटन से। ओपन इलेक्ट्रिक बटन है बूट स्पेस के लिए। पार्सल ट्रे है, 511 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता भाई हमें इसके अंदर, 511 लीटर का। लाइट मिल जाती है बूट स्पेस में। स्पेयर व्हील इसका नीचे है, मैं दिखा चुका आपको। बाकी यहाँ पे टूल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। अब जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती है, कुछ इस तरह से आपको इसमें इंजन मिल जाता है। प्योर टेक 110 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन पेट्रोल में, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 109 bhp की और टॉर्क करता है 205 nm का। माइलेज 17.6 किलोमीटर पर लीटर की एआई के अकॉर्डिंग कंपनी क्लेम कर रही है। ड्राइविंग रेंज आपका 792 किलोमीटर है फुल टैंक पे। यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 गियर के साथ आप देख रहे थे BS6 फेज 2। बाकी 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें मिल जाता और 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो भाई ये था सीट्रॉन C3 एयर क्रॉस ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, मिड साइज सेगमेंट में, मिड साइज SUV सेगमेंट में आपको गाड़ी कैसी लगी ये भी कमेंट बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।